हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ जैकसन, योर इंग्लिश टीचर। आई एम वंस अगेन हियर। न्यू टॉपिक, माय टॉपिक नेम इज साइन कन्वेंशन ऑफ स्पेक्ट्रल मिरर। इन प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो न्यू टॉपिक नेम इज कन्वेंशन ऑफ स्पेक्ट्रल मिरर। चैप्टर नेम इज लाइट फिजिक्स। ओके, तो आई स्टार्ट माय टॉपिक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने यहाँ पे इमेज दिख रहा है आपको, एक फिगर दिख रहा है। ये फिगर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का है। इस कॉन्वेक्स मिरर को हमें डिस्कस करना है कि इसका जो साइन प्रोसेस होगा वे कैसे होगा, क्या हमें इसको मेंशन करना है, पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, लाइट पैरेलल, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इसके बारे में मुझे सब डिस्कस करना है। ओके, तो देखो क्या हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप आपको रिवाइज करता हूँ कि कौन सा पॉइंट आप क्या लगन कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो आप लोग न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, क्योंकि निवेशक के छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो इसी प्रोसेस से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है ये आपको दिख रहा है, आप लोगों ने पिछले क्लास में कहीं के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सुना होगा और पढ़ा होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है आप जानते हो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इन टू डायमेंशनल प्लेन। तो टू डायमेंशनल प्लेन में एक्स और वाई को हम लोग मेजर करते हैं। आप ग्राफ पेपर में एक्स और वाई का ग्राफ बनाते होंगे तो आपको याद होगा कि ऐसे हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं, ये हमारा क्या है एक्सिस, यानी कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस। जस्ट इमेजिन अगर उस ग्राफिकल फॉर्म को हम यहाँ पुट करें तो मान लें कि ये हमारा कॉमन एक्सिस है वाई, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस। सच्चों उस x और y के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कॉन्वेक्स मिरर को यहाँ पुट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो हमारा पोल होना चाहिए, यानी कि इसके ओरिजिन पे क्या रखा है पोल, यानी कि जो हमारा ओरिजिन है वो कॉन्वेक्स मिरर के पोल पे होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये प्रिंसिपल है, ये लाइन दिख रहा है आपको कि क्या है प्रिंसिपल है। आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है ए बी का नाम क्या है ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये क्या है ए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो किस डायरेक्शन कर रही है लेफ्ट टू राइट। जो ऑब्जेक्ट है वो उसका जो आपका डायरेक्शन है यानी कि लाइट ट्रेवल कर रही है वो लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रही है। ओके, तो अब आप यहाँ पूछ रहा होगा आपको पढ़े हैं ज्योमेट्री में कि एक्स एक्सिस की जो फिक्स प्राइस होता है वो ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, इसका ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, और इसके इंडेक्स क्या होगा निगेटिव, क्या होगा निगेटिव। जस्ट इसके ऊपर हम लेंगे तो क्या लेंगे आप लोग पॉजिटिव लेंगे, इससे क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ऐसे ही पढ़ते हो, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग उसको मैनेज करेंगे। ओके, तो जस्ट इमेजिन की एक ऑब्जेक्ट है सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका नाम ए और बी है। अब आप क्लियर है कि जहां ग्रेविटेशन की डायरेक्शन से जब ट्रेवल करेगा लाइट किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ट्रेवल करती है किधर लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ लाइट क्या कर रही है ट्रेवल कर रही है। तो आपको पता है कि लाइट ट्रेवल करेगी तो वहां कहां स्ट्राइक करेगी इस पोजिशन पे, पोजीशन का नाम मैंने बताया था, पोजीशन का नाम क्या है रिफ्लेक्टेड सरफेस। ओके, यहाँ स्ट्राइक करेगा, समझ गए, फिर यहाँ पे अगर आपको पता है कि जब स्ट्राइक करेगा तो ये कहीं कहीं अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो उसके बाद फॉलो कर लेते हैं। एक और मैंने भी कहा कि वाई एक्सिस पे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा जाए तो उसका पोजीशन वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव, उसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। अगर नीचे हो आपको क्या होगी निगेटिव, यानी ये डायरेक्शन क्या है निगेटिव डिस्टेंस है और ये क्या है पॉजिटिव डिस्टेंस, इसे क्या देंगे हम लोग पॉजिटिव
डिस्टेंस। अब मात्र डिस्टेंस तो डिस्टेंस को मेजर काम करेंगे। ये हमारा जो ओरिजिन पॉइंट दिख रहा है, यानी कि हम एक लाइन ड्रा करते हैं, हम जितना भी इसका वैल्यू लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, वो इसके पोल से लेंगे, यानी कि पोल से हमें इधर ये डिस्टेंस हमें यहाँ है, ठीक है। हम जितना डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल से ही लेंगे, ठीक है। जब ऊपर क्या लेंगे पॉजिटिव, नीचे क्या लेंगे निगेटिव। जस्ट इमेजिन यहाँ भी होगा कि अगर मीटर के इस साइड की वैल्यू लेनी होगी तो वो क्या होगा, उसका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। अगर इधर लेना होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेस पर हमने आपको बताया। आपको मैंने ये बताया था कि जिससे क्या होते हैं फोकस, इसको फोकस होता है, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको मेंशन किया हुआ है कि मान जस्ट इमेजिन की इमेज आपके यहाँ ऑन करता है, यानी कि इमेज यहाँ पे बंद करता है, ये हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। तो ये पोल यानी कि पी अधिकतर बिटवीन पी एंड एफ फोकल, यानी कि पी और एफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या बोलेंगे, फोकल एंड रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एफ। स्मॉल एफ को क्या करते हैं, डिविजन करते हैं, यानी कि अधिकतर बिटवीन कैपिटल एफ एंड पी, इसको क्या है फोकल, यानी कि स्मॉल एफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई डिस्टेंस हम लोग पी और पी पे की करते हैं और डिस्टेंस बिटवीन पी एंड पी वन वैल्यूज ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। तो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन इमेज यानी कि आई इमेज आई एंड सी वॉट वी स्मॉल वी डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल वी। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट एंड यानी कि ऑब्जेक्ट ओ और ओ सी डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सी क्या होगा यू, यानी कि यू से रिप्रेजेंट करते हैं क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि जब हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे तब यू कहेंगे, जब डिस्टेंस ऑफ इमेज का नाम लेंगे तब फिर वी से रिप्रेजेंट करना, जब मैं एडिट ऑफ कर्वेचर को मेंशन करूं तो कैपिटल आर, जब मैं फोकल लेंथ का मेंशन करूं तो स्मॉल एफ। यहां रखते मैंने आपको पहले कहा था कि अगर मीडर के इस साइड पर आई वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, निगेटिव, यानी एफ भी माइनस में होगा, आर भी माइनस में होगा, यू भी माइनस, ए भी माइनस। अगर यही सारी वैल्यू जो इधर आती है तो वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा होगा, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि अपर साइड में पॉजिटिव, लोअर साइड में निगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव। आई होप तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी मैं इसी चीज को कॉन्सेप्ट मिरर से करके दिखाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो जो चीज मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट मिरर के बारे में बताया था, सॉरी कॉन्सेप्ट मिरर के बारे में बताया था, अब वो मैं कॉन्सेप्ट मिरर के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि कॉन्सेप्ट मिरर। ये आपको भी ड्रामा बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट मिरर का फिगर आपको है सब की सेम है, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने यूज करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब भी बता रहा हूँ ये हमारा क्या है वाई एक्सिस, अगर मैं कोऑर्डिनेट को मेंशन करूँ ये हमारा वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, राइट साइड में आपका पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कि एक्स एक्सिस से निगेटिव पॉइंट होगा। तो वही कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है आपको तो बताना है। तो ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री की जो ऑब्जेक्ट बताया है ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंट बाई स्मॉल यू। अगर मैं आपको कहूँ कि इसका डायगोन, अगर स्क्वायर डायगोन है आपके इस साइड का भी है तो साइड क्या होना चाहिए, निगेटिव पॉजिटिव होगा, मेरे पास भी ये की डायगोन में है निगेटिव है तो यहाँ आप माइनस न्यूट्रल कर सकते हो। अब हम इसका जानते हैं इस साइड पे राइट एक्सिस है, अब राइट एक्सिस पे आपको पॉजिटिव हमें वैल्यू लेनी है सारी वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या होगी प्लस आर प्लस
प्लस बी, क्यों? क्योंकि मिरर के इस साइड है जिसमें मैंने पॉइंटेड मेजर में पहले जो बनाया था। अधिकतर बिटवीन पी एंड एफ स्मॉल स्मॉल एफ इज कॉल्ड फोकस लेंथ। अधिकतर बिटवीन पी एंड सी व्हाट दैट इज ऑफ कर्वेचर। अधिकतर बिटवीन पी एंड आई व्हाट दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल बी। बच्चों जो कि मैंने अभी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया है वही से मैंने कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर का मैंने साइन फॉर्म बता दिया कि कब आपको कॉन्वेक्स लेनी है कब आपको नेगेटिव लेनी है। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्केल बनाऊंगा उस टेबल के द्वारा एक कॉन्वेक्स टेबल ट्री है उसी के द्वारा आप इसी साइन को आसानी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसको। ओके स्टूडेंट तो लुक ऑन द बोर्ड या मैं आपको टेबल दिख रहा होगा ये टेबल एक कॉन्वेक्स है और ट्री है जो मैंने इतना सारी चीज़ें बताया है उन चीज़ का मेथड है जिससे हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं किसी भी साइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इजीली याद कर सकते हैं। ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों कॉन्सेप्ट के लिए है। अगर मेरे को टाइप ऑफ मिरर दो ही टाइप के मिरर होते हैं ना एक होता है कॉन्केव मिरर एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। यू यू क्या है व्हाट इज यू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट व्हाट इज बी अ डिस्टेंस ऑफ इमेज व्हाट इज दैट अ डिस्टेंस बिटवीन एस एंड सी यानी कि पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस आप रेडियस ऑफ कर्वेचर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है कितना लंबाई में ऑब्जेक्ट है। अब हाइट ऑफ इमेज आपका जो इमेज रिजल्ट हो रहा है वो इमेज की हाइट क्या है इमेज छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अब भविष्य की तो आ गई थी या तो रियल होता था या तो वर्चुअल तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बताना है। ओके तो जस्ट इमेजिन कॉन्केव मिरर कॉन्केव मिरर में अगर यू जब भी आप लेंगे तो क्या लेंगे माइनस लेंगे क्या लेंगे माइनस और जो बी है हमारा जो बी होगा तो वो बी जो हमारा है तो उसमें रियल और वर्चुअल दोनों है तो रियल में हम ऑलवेज कॉन्केव मिरर क्या कहेंगे माइनस और वर्चुअल में ऑलवेज क्या कहेंगे प्लस। ठीक है बच्चों और एस जो होगा तो कॉन्केव मिरर क्या होगा ऑलवेज माइनस आज क्या होगा ऑलवेज माइनस हाइट क्या होगी हाइट तो ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि ऑलवेज हमेशा ऊपर ही रखा जाता है अगर निगेटिव रख देंगे तो वहाँ सारे हम लोग माइनस माइनस करते हैं। फिर हाइट ऑफ इमेज जो इमेज होगी उसकी जो रियल होगी वो निगेटिव होगी और जो वर्चुअल होगा वो आप क्या होगा पॉजिटिव होगा। ओके तो सेम थिंग आपका यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में यू ऑलवेज सेम आपके सामने आ रहा होगा यू है वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो दोनों में हम क्या करेंगे माइनस को रिप्रेजेंट करेंगे वर्चुअल में नो कॉन्वेक्स में कोई भी रियल में नहीं बन रहा है और आपका जो वर्चुअल होगा तो वर्चुअल क्या होगा पॉजिटिव में होगा। और फोकस आप हमेशा सब रखेंगे जिसमें कॉन्वेक्स अगर मिरर यूज करते हैं तो जिसका लेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव किया जाएगा आर भी क्या पॉजिटिव का इसलिए राइट साइड लेकिन एस एक्सिस के ऊपर की तरफ बन रहा है जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये भी ऊपर की तरफ बनेगा। हाइट ऑफ इमेज है वो रियल में क्या होगा नो रियल इमेज वही थी जैसे नो रियल इमेज यहाँ पर था वही नो रियल इमेज यहाँ भी है और जो वर्चुअल क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये बच्चा अपनी क्लास ठीक है जो मैं आपके लिए टेबल मैंने जैसा कर दिया है इसके बेस्ट पर आप इमेज को आसानी लगा सकते हो साइंस कर सकते हो और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगले इमेज आपका जो ये होगा वो होगा फॉर्मूला कुछ फॉर्मूले आने वाले हैं जिसके बेस पर आप इनका सॉल्व करेंगे। ओके थैंक यू।